हेलो गाइस, दिस इज जैन फ्रॉम decaptor.com। फ्रेंड्स, अगर आप PNG या JPG इमेज को आप CDR फाइल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम कोरल ड्रॉ को ओपन करते हैं फ्रेंड्स। कोरल ड्रॉ को ओपन करने के बाद में आप इमेज को ओपन करिए, जो भी आइकन लोगो जो भी है आप जिसको आप CDR फाइल बनाना चाहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी आप देख रहे हैं कि इमेजेस हैं हमारे, JPG हैं, PNG हैं, किसी का बैकग्राउंड है, किसी का बैकग्राउंड नहीं है, तो बहुत सारी इमेज। तो मैं एक ये इमेज दे रहा हूँ और इसको हमें क्या करना है, ये PNG फाइल है हमारी, और राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी भी चेक कर सकते हो, या फिर तो ये हमारी PNG फाइल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइप ऑफ फाइल PNG है। इसको हम ओपन करेंगे कोरल ड्रा पे। देखिए, डायरेक्टली हम इसको ड्रैग भी कर सकते हैं या हम इम्पोर्ट भी कर सकते हैं, तो कई रास्ते होते हैं कोरल ड्रा पे ओपन करने के फ्रेंड्स। तो इसको हम रिसाइज करते हैं, और रिसाइज करने के बाद में तो अभी आप फ्रेंड्स देखेंगे ये जो फाइल फॉर्मेट है आपका PNG है, और इसको हम CDR में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो अभी ये हमारे PNG फॉर्मेट है, आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल वे है फ्रेंड्स। कोई भी सिंपल आइकन लोगो जो भी हो आप उसको CDR में जस्ट आप कन्वर्ट कर सकते हो कुछ ही मिनट्स में। ओके, सो सबसे पहले आपको फाइल को सिलेक्ट करना होगा और राइट क्लिक उस पर करिए, और यहाँ पर आइए आउटलाइन ट्रेस पे, यहाँ पे आएंगे लाइन आर्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो ये कुछ समय लेता है, कुछ सेकंड्स लेगा, यहाँ पे आप देखिए प्रोसीजर हो रहा है, इसका प्रोसेसिंग में कुछ टाइम लेगा, और उसके बाद में फ्रेंड्स ये फाइनली हो चुका है। आप देखिए इसका यहाँ पे ऊपर वाइट बैकग्राउंड दिखा रहा है और नीचे ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है, और यहाँ पे आएंगे तो आप आउटलाइन ट्रेस टाइप जो है इसका आउटलाइन रखेंगे, तो इसके बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे। यहाँ पे सेंटर लाइंस भी हैं जिनको आप ट्रेस करना चाहते हो, तो हम यहाँ पे आउटलाइन को ट्रेस ऑफ इमेज जो है वो लाइन आर्ट है। तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं, डिटेल्स, लोगो है, क्लिप आर्ट्स हैं, लो क्वालिटी इमेज, हाई क्वालिटी इमेज है, लोगो। तो हम यहाँ पे जो सेलेक्ट कर रहे हैं लाइन आर्ट कर रहे हैं, और डिटेल जो है बाई डिफॉल्ट रहने देंगे। स्मूथिंग जो है 25 है, और कॉर्नर स्मूथनेस जो है वो 0 ही रखेंगे, कुछ भी नहीं करना है, डिलीट ओरिजिनल इमेज रहने देंगे। हमें रिमूव बैकग्राउंड कर दिया है ताकि बैकग्राउंड हमारा हट जाए। ऑटोमेटिकली चूज़ कलर, हमने कहा कि भाई ऑटोमेटिकली ये कलर चूज़ कर ले जो इसमें कलर हो, ठीक है। और स्पेसिफिक कलर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि स्पेसिफिक कलर जो भी देंगे वो वही कलर सिर्फ चूज़ करेगा। तो रिमूव कलर फ्रॉम इंटायर इमेज, अगर हम कोई कलर रिमूव करना चाहते हैं पूरी इमेज से तो यहाँ पे क्लिक करके, तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, जैसा है वैसा ही रहने देंगे। देन हम ओके प्रेस करते हैं फ्रेंड्स, और यहाँ पे फ्रेंड्स दो आपकी हो जाएंगी। एक्चुअली मैंने ओरिजिनल इमेज डिलीट नहीं की है, तो वो ये ओरिजिनल इमेज हो गई और ये आपकी फाइनली ये इमेज हो गई। तो देखिए, आप राइट क्लिक करके इसको अनग्रुप कर सकते हो, अनग्रुप ऑल ऑब्जेक्ट, या ऊपर से भी यहाँ से भी आप कर सकते हो अनग्रुप ऑल। तो मैं यहाँ से अनग्रुप ऑल ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ। सो अब फ्रेंड्स अब देखोगे हर एक पार्ट इसका जो है वो अलग हो चुका है, यानी कि फ्रेंड्स आपका जो ये CDR फॉर्मेट है वो बिल्कुल रेडी है। आप इसमें आप कुछ भी एडिट करना चाहते हो वो कर सकते हो। ये देखिए हर एक पार्ट जो है इसके वो अलग हो चुके हैं। तो ये काफ़ी इजी वे है, किसी भी इमेज को आप CDR में चेंज करना चाहते हो तो इस तरीके से चेंज कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स, अगर आप परेशान होंगे पहले कि कैसे क्या चेंज करना है, तो इससे आपको हेल्प मिली होगी। अगर हेल्प मिली है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर